Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study, Art, Motivation and Education. So in this video we are going to cover dense invaginators. We are going to learn what is dense invaginator. So before we start, I must tell you that I have started a series of developmental disturbances of teeth, and we are going to cover this topic, and till now we have covered the most of the topics of this series. So coming to the point, that is dense invaginator. So dense invaginators is also known as invaginated odontoma, occlusal tuberculated premolar and Leon's premolar. Okay, so these names you must have know, because as I have already told you so many times in my previous videos, that these alternative names of these disorders or diseases or disturbances are asked in your viva. So this is important on the point of view of viva. You have to know this these names, because this is necessary. Now coming to it, what is dense invaginators? So dense invaginators जो है आपका, इससे पहले हमने पढ़ा है enamel pearl के बारे में. Okay, so enamel pearl में आपने क्या देखा था, that this is your tooth और यहाँ between the crown and the root there is a globule. इसी ग्लोब्यूल को हम एनामल पर्ल कहते हैं. सेम एज दैट, दिस इज योर टूथ एंड यहां पर आपको बिटवीन आपके ये जो टूथ है ना, यहां पर ग्लोब्यूल है. यानी कि अ प्रेजेंस ऑफ एसेसरी कस्प और अ ग्लोब्यूल ऑफ इनेमल ऑन ऑक्लूजल सर्फेस. यहां ऑक्लूजल सर्फेस पर आपको ग्लोब्यूल की ग्रोथ देखने को मिलेगी. Between buccal and lingual cusp of premolar. Okay, buccal and lingual cusp of premolar. ये याद रखना. It is rarely found on molars and incisors. Now, it is developed only, ऐसा कहा जाता है, एक थ्योरी में ऐसा कहा गया है कि ये ज्यादातर जो मंगोलॉइड ancestors होते हैं उनमें ये डेवलप ये इसका डेवलपमेंट देखा जाता है. और समटाइम्स इट कैन बी सीन इन चाइनीज, जैपनीज, फिलिपियंस एंड एस्किमोज एंड अमेरिकन इंडियंस ऑल्सो. नाउ वॉट इज इट्स पैथोजेनेसिस, इट इज इम्पॉर्टेंट. पैथोजेनेसिस में इसका क्या है, प्रोलिफरेशन एंड इवेजिनेटर्स ऑफ एन एरिया ऑफ इनर एनामल एपिथेलियम, या तो फिर ओडोंटोजेनिक मेसेनकाइम डेवलपमेंट टू एन डेंटल ऑर्गन. ओके, दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ दिस डिसीज. नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस डेंस इवेजिनेटर्स. सो इट हैपन्स इन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, लेकिन ज्यादातर ये प्रीमोलर्स में देखा जाता है. ओके, नाउ इट यूजली अकर्स यूनिलैटरली और बाइलैटरली. ओके, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री डेंटल टिश्यूज. सी वी हैव डिस्कस्ड दिस इन एनामल पर्ल, कि वो जो ग्लोब्यूल था ना, यहाँ जो ग्लोब्यूल था, इट इज सेम एज द कॉम्पोजिशन ऑफ टूथ. यानी कि उसमें डेंटिन भी प्रेजेंट है, एनामल भी प्रेजेंट है, पल्प भी प्रेजेंट है. ओके, सो सेम इज हेयर, इसमें भी जो एनामल, डेंटिन एंड पल्प, ऑल द थ्री डेंटल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन दिस एक्स्ट्रा ग्रोथ. नाउ पॉलीप लाइक प्रोट्यूबरेंस है इसमें. कहाँ कहाँ हो सकता है, सेंट्रल ग्रूव में पाया जा सकता है, लिंगुअल रिज में पाया जा सकता है और बकल कस्प पे पाया जा सकता है. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू नो दिस. नाउ ड्यू टू ये जो एक एक्स्ट्रा कस्प है, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है. इट कैन कॉज इनकम्प्लीट इरप्शन, डेंटल केरीज होंगे ऑब्वियसली. इट मे लीड टू इन्फेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूथ हो सकता है विथ पल्प एक्सपोजर. ओके, सो दीज थिंग्स यू हैव टू नो. नाउ मैनेजमेंट, इट शुड बी रिमूव्ड अंडर एसेप्टिक कंडीशन. ओके, बाकी तो उसका कोई ऐसा इलाज है नहीं. सो दिस इज इट, दिस इज अबाउट डेंस इवेजिनेटर्स. एंड या आप इसकी फोटो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एज आई हैव शोन यू द पिक्चर ऑफ दिस एनोमली इन दिस वीडियो, यू कैन गेट इट थ्रू इट. सो दिस इज इट अबाउट डेंस इवेजिनेटर्स. एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक. एंड टिल देन, थैंक यू सो मच.